हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ फिट होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पम्बन ब्रिज से जुड़ा नया अपडेट एंड पम्बन ब्रिज का अब तक का खास अपडेट क्या है, अब कितना प्रोग्रेस, कितना क्या हो रहा है गाइस, और ये कब खुलेगा, ये इसकी ओपन डेट जो है कितनी है एंड कब तक ओपन हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें गाइस, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों पहले जानते हैं इस ब्रिज के बारे में। 110 साल पहले ब्रिटिश काल के दौरान मंडप रामेश्वरम को जोड़ने के लिए एक रेलवे पुल बनाया गया था। इस पुल से होकर आने वाले पर्यटकों के आगमन के कारण रामेश्वरम द्वीप का विकास होने लगा था। उसके बाद सड़क यातायात के लिए पम्बन में एक पुल का निर्माण किया गया और 1988 में ऐसे खोल दिया गया। हालांकि सड़क परिवहन के लिए एक अलग से पुल बनाया गया था, लेकिन रेल यात्रा भी अच्छी तरह से चल रही थी क्योंकि समुद्र के बीच में ट्रेन से यात्रा करने का अनुभव अलग ही है गाइस, जिसकी वजह से पर्यटकों के लिए भी बहुत रोमांचक था और आकर्षक हो रहे थे। फिर पुराने पुल के कारण इसमें कुछ समस्या आने लगी क्योंकि काफ़ी दिन का हो चुका था गाइस। सदियों से रेल पुल समुद्री हवा के कारण बार बार जंग लगने और टूटने और रखरखाव की बढ़ती लागत जैसी विभिन्न समस्याओं को सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा सीडियर स्पैन सिस्टम की समय समय पर मरम्मत की जाने लगी, जिसके कारण अस्थायी रूप से रेल यातायात को रोका जाता था, ट्रेन को रोक दिया जाता था। साथ ही इस 2 किलोमीटर लंबे पुल में एक अस्थायी गति नियंत्रण उपकरण लगा था जो ट्रेनों को मात्र 10 किलोमीटर की गति से ले जाने की अनुमति देता था गाइस। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए गाइस दोस्तों, भारतीय रेल विभाग ने एक नया रेलवे पुल बनाने का निर्णय लिया और 2019 में इसके लिए काम शुरू करने की अनुमति दी गई। और दोस्तों आपको इसके लागत के बारे में बता दें गाइस, पम्बन न्यू ब्रिज की पूरी तरह से बनकर तैयार होने पर इसकी लागत 550 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। अब जानते हैं गाइस न्यू पम्बन ब्रिज की खास जानकारी एंड अपडेट और रोशनी से चमकता ये नया ब्रिज न्यू पम्बन ब्रिज कैसा लग रहा है। नया पम्बन ब्रिज लगभग 2.08 किलोमीटर लंबा है। बात करें समुद्र की गहराई में, इसे विभिन्न आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है यानी बनाया गया है, और पुल निर्माण का काम लगभग गाइस आपको बता दें पूरा ही हो चुका है और वर्तमान में इसका परीक्षण चल रहे हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर परीक्षण इसका हो चुका है। इस संबंध में पम्बन न्यू रेलवे ब्रिज के केंद्र में शिपिंग के लिए बनाए गए वर्टिकल सस्पेंशन ब्रिज की लोडिंग और अनलोडिंग भी की गई। हम जानते हैं दोस्तों, इस पुल के गर्डर 72.5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। इस पुल की सड़क यातायात के लिए बनाए गए पुल की लगभग समान ऊंचाई है, यानी सड़क यातायात का जो पुल है और इसकी जो ऊंचाई बराबर है। इसके जरिए शिपिंग बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ेंगी, यानी इसके नीचे से जहाज निकलते हैं, गुजरते हैं गाइस, वो बिना किसी दिक्कत के आराम से नीचे से निकल सकते हैं। अब जानते हैं गाइस इसकी खास जानकारी, जो कि इसकी क्या क्या खासियत है गाइस। इसे भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज होने का गौरव प्राप्त है। नया पम्बन ब्रिज समुद्र में 6,790 फीट लंबा है। समुद्र के पार इसके 100 मेहराब यानी HS हैं, 99 मेहराब 18.3 मीटर ऊंचे हैं और सेंट्रल वर्टिकल आर्च मेहराब 72.5 मीटर ऊंचा है। ये पास के सबसे पुराने यानी ये पुराना पुल है गाइस, जो पम्बन पुराना पुल है उससे करीबन 3 मीटर ऊंचा है। इसमें भविष्य में डबल ट्रैक निर्माण की नींव और संरचना है, यानी भविष्य में इसे डबल ट्रैक इस पर बिछाया जा सकता है, एक ट्रैक चला गया इस एक ट्रैक और बिछाया सकता है। इस रेलवे अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन RTSO द्वारा अनुमानित किया गया है। यहाँ इस्तेमाल होने वाली सभी लॉजिकल्स का निर्माण रामानुतपुरम के पास चित्रकोडी रेलवे स्टेशन पर एक समर्पित कार्यशाला में किया जाता है। नेविगेशन में आसानी के लिए पूरी तरह से स्वचालित प्रणाली में इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम द्वारा 17 मीटर तक उठाने के लिए डिजाइन किया गया है गाइस। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पम्बन ब्रिज के बारे में पूरी जानकारी दी गाइस, क्यों बनाए गए थे गाइस और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका काम कब शुरू हुआ और कब इसे कम्प्लीट होने की उम्मीद है, इनकम्प्लीट तो हो चुका है गाइस, कब इसकी ओपनिंग हो सकती है।
तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करके रखिए हमारा यूट्यूब चैनल।